दोस्तों, सुअर का नाम सुनते ही हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में गंदगी से सने हुए एक भद्दे से जानवर की छवि बन जाती है। देखा जाए तो सुअर को गंदगी का प्राय कहा जाता है, इसलिए इस शब्द का गाली के रूप में उपयोग भी खूब किया जाता है। किंतु यदि आप सुअरों के व्यवहार को समझोगे तो जानोगे कि सुअर धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सुअरों में पसीना उत्पन्न करने की ग्रंथियां कम होती है, जिस कारण खुद को ठंडा रखने के लिए ये कीचड़ में लोट लेते हैं। इसी वजह से सुअर गंदे दिखाई देते हैं। किंतु यदि सुअरों को साफ पानी उपलब्ध कराया जाए तो इनके जितना सफाई पसंद जानवर आप किसी को नहीं पाओगे। दुनिया भर में सुअरों की 16 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से ज्यादातर प्रजातियां पालतू हैं। यूरोप और अमेरिका में सुअरों को मांस के लिए बड़े पैमाने पर पाला जाता है। भारत में भी लोग सुअरों को अतीत से ही पालतू बनाते आए हैं। सुअरों की जो प्रजाति पालतू नहीं होती उन्हें जंगली सुअर कहा जाता है। इन्हीं जंगली सुअरों में से एक है वॉर्थोग। ये सुअर अफ्रीका के एक बड़े भूभाग पर पाया जाता है। अफ्रीका में वॉर्थोग की 4 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कोंगो के वर्षावनों से लेकर सूखे रेगिस्तानी इलाकों तक में फैली हुई है। तो चलिए आज के वीडियो में इसी जानवर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वॉर्थोग वैसे तो शाकाहारी होते हैं, किंतु कभी कभी इन्हें मांस खाते हुए भी देखा गया है। हॉलीवुड फिल्म द लॉयन किंग में एक वॉर्थोग को दीमक एवं अन्य कीड़े खाते हुए दिखाया गया है, किंतु सामान्यतः ये सुअर ऐसा नहीं करते। हालांकि कई बार अपने नुकीले दांतों से मिट्टी आदि खोदते वक्त मिले कीड़ों को वॉर्थोग चट कर जाते हैं, किंतु फिर भी कीड़े इनकी निश्चित खुराक का हिस्सा नहीं कहे जा सकते। इन सुअरों की खाने की 99% जरूरतें घास और फलों आदि से ही पूरी होती हैं। सूखे के समय जब घास उपलब्ध ना हो तो ये मजबूत जानवर अपने नुकीले एवं लंबे दांतों से खुदाई शुरू करता है एवं पेड़ों की जड़ों को खोदकर भी खा जाता है। वॉर्थोग छोटे सुरंगनुमा गड्ढों में रहना पसंद करता है। अनोखी बात ये है कि खुदाई में बेहद माहिर होने के बावजूद भी वॉर्थोग कभी खुद के रहने के लिए गड्ढे नहीं खोदता, बल्कि रहने के मामले में ये प्राकृतिक या दूसरे जीवों द्वारा खोदी गई सुरंगों का ही इस्तेमाल करता है। ज्यादातर मामलों में वॉर्थोग आर्डवर्क्स नामक जीव द्वारा खोदी गई मांदों को ही खप जाता है। आर्डवर्क्स एक मध्यम आकार का जानवर है जो चींटियों और दीमकों को खाने के लिए खुदाई करता रहता है। हालांकि यदि वॉर्थोग को लगता है कि मांद इसके रहने के हिसाब से छोटी है तो ये कुछ हद तक मांद को खोदते हुए बड़ी जरूर कर लेते हैं। इस सुअर के दांत सिर्फ खोदने के ही काम नहीं आते, बल्कि इन दांतों से वॉर्थोग अपने दुश्मन को लोहे के चने चबवा सकता है। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ एक वॉर्थोग किस तरह से चीते जैसे खूंखार मांसखोर को अपने इलाके से खदेड़ रहा है। वहीं एक अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक चीता ने वॉर्थोग के छोटे बच्चे को अपने दांतों में दबोच लिया है और माँ वॉर्थोग अपने बच्चे को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ लगा रही है। तभी अचानक पीछे से एक तगड़ा नर वॉर्थोग आता है और चीते पर जोरदार हमला कर देता है, जिस कारण चीता हवा में उछलता हुआ भाग खड़ा होता है। वस्तुतः वॉर्थोग के इस तरह से हमला करने की नीति किसी भी जानवर को गंभीर चोट दे सकती है। असल में ये सुअर काफी भारी जानवर होता है। एक बड़ा नर आसानी से 100 किलो से अधिक भारी हो सकता है। दूसरा, इसका हमला गतिमान अवस्था में होता है। भारी होने के बावजूद भी ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करके दौड़ते हुए बिना रुके हमला करता है। ये हमला ठीक वैसे ही कहा जा सकता है जैसे कोई मोटरसाइकिल से हमें टक्कर मार दे। साथ ही वॉर्थोग के 10 इंच से अधिक लंबे और छुरी जितने पैने दांतों की वजह से ये हमला और भी ज्यादा प्राण घातक हो जाता है। वास्तव में यदि ये सुअर सही से टक्कर मार दे तो शेर जैसा प्राणी भी तुरंत धराशायी हो सकता है। हालांकि वॉर्थोग को कीचड़ में लेटना बेहद पसंद है, क्योंकि कीचड़ न सिर्फ इस सुअर के शरीर को ठंडा रखता है, बल्कि शरीर पर लिपटा कीचड़ परजीवियों से भी रक्षा करता है। किंतु हर वक्त पानी और कीचड़ से सने रहने वाला ये जानवर ऊँटों से भी अधिक दिनों तक बिना पानी के जीवित रहने में सक्षम है। ये देखा गया है कि भीषण सूखे के चपेट में वॉर्थोग कभी भी नहीं आते। ये कई हफ्तों या महीनों तक भी बिना पानी के आसानी से रह लेते हैं। वॉर्थोग के सोने की क्षमता बेहद ही अच्छी होती है। हालांकि इनकी नजरें काफी कमजोर होती है, जिस कारण ये अपने सामने के खतरों को सूंघकर ही महसूस कर पाते हैं। किंतु कमजोर नजर के कारण ये अक्सर सामने छुपे शिकारी के बारे में सही अंदाजा नहीं लगा पाते। जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, यहाँ ये तेंदुआ वॉर्थोग परिवार के मांद के सामने टकटकी लगाए बैठा है। कमजोर नजर होने के कारण ये सुअर तेंदुए को देख नहीं पा रहा, किंतु इसे अपने नाक द्वारा खतरे की गंध जरूर मिल
गूंज रही है, इसलिए ये मन से बाहर नहीं आ रहा। फुर्तीला होने के साथ साथ वर्थो काफी धैर्यवान जीव भी होते हैं। सामने खतरे को पाकर ये घंटों तक मांद में भी छुपे रह सकते हैं, किंतु यहाँ ये छोटा सुअर गलती कर बैठा और इसने तेजी से मांद से बाहर निकलकर सीधा तेंदुए की ओर ही दौड़ लगा दी, जहाँ तेंदुए ने इसे तुरंत लपक लिया। हालांकि माँ वर्थो के जोरदार हमले के कारण एक बार तो तेंदुआ अपनी पकड़ खो देता है, किंतु ये नन्ना वर्थोग शक्तिशाली तेंदुए के सामने बेहद ही आसान शिकारी है, इसलिए तेंदुआ इसे फिर से जकड़ लेता है। दोस्तों, वर्थोग नाम अंग्रेजी के दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, वार्ट और होग। होग का मतलब होता है सुअर और वार्ट का हिंदी में अर्थ होता है मस्सा, यानी वर्थोग शब्द का अर्थ होता है मस्सेदार सुअर। बेशक इस सुअर को अपना ये नाम इसके चेहरे पर उभरी हुई संरचनाओं की वजह से ही मिला है, किंतु वास्तव में ये संरचना मस्सा नहीं अपितु उभरी हुई हड्डियां हैं। ये हड्डियां मादाओं में छोटी वही नरों में अधिक बड़ी होती है, जिसका इस्तेमाल नर वर्थोग आपसी लड़ाइयों में करते हैं। वस्तुतः इन हड्डियों और बाहर की ओर निकले नुकीले दांतों की वजह से ही इस सुअर का हमला बेहद खतरनाक होता है और अपने इस ताकतवर हमले पर इस सुअर को बहुत गर्व है, इसलिए अनेकों बार बिना किसी कारण सिर्फ मौज मस्ती के लिए भी हमला कर देते हैं। यहाँ इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में तीन चीता शांति से बैठकर पानी पी रहे हैं, किंतु इनके पास खड़े शरारती वर्थोग को इन चीतों का यहाँ होना पसंद नहीं आया, इसलिए इस वर्थोग ने तेजी से बिना किसी कारण ही चीतों पर हमला बोल दिया। मजबूत मुंह और दांतों के साथ साथ वर्थोग के घुटने भी कमाल के मजबूत होते हैं, क्योंकि वर्थोग पेड़ों की जड़ों को खोदकर भी खा जाते हैं, जिस कारण इनका बहुत सारा समय अपनी अगली टांगों पर घुटनों के बल ही बीतता है। इसलिए वर्थोग के घुटनों की ऊपरी त्वचा काफी मोटी एवं मजबूत होती है। एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति ने इन सुअरों को कुदरती नींव पैट दिए हैं, जिनके बल पर वर्थोग लंबे समय तक अपने अगले घुटनों पर ही आगे बढ़ते रहते हैं। वर्थोग का सामाजिक जीवन भी काफी विचित्र होता है। मादा वर्थोग एक साथ मिलकर रहती हैं और मिलकर बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इनके एक ग्रुप में 40 से अधिक सदस्य हो सकते हैं, किंतु ज्यादातर ये सभी मादाएं और छोटे बच्चे ही होते हैं। बड़े होने के बाद नर वर्थोग अपने झुंड का साथ छोड़ देते हैं। इन्हें ज्यादातर मौकों पर अकेला रहना ही पसंद है। हालांकि मिलन के दौरान ये वापस अपने झुंड में शामिल हो जाते हैं और मादाओं के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाइयां भी करते हैं। वर्थोग अमूमन दिन को ही सक्रिय रहते हैं, ये रात अपनी मादों में आराम करते हुए ही बिताना पसंद करते हैं, किंतु जब खाने की कमी हो तो ये सुअर दिन और रात दोनों समय भोजन तलाशते हुए बिताते हैं। पिछले कुछ दशकों के दौरान वर्थों की संख्या तेजी से घट रही है। अफ्रीका के कई हिस्सों से तो ये सुअर गायब ही हो चुके हैं। जंगल में इस जंगली सुअर के लिए सबसे बड़ा खतरा है शेर। एक शेर की ताकत और हथियारों के सामने अक्सर वर्थोग बेबसी दिखाई पड़ते हैं। हालांकि कई बार इन्हें शेरों को भी खदेड़ते हुए देखा जा सकता है, किंतु पिछले कुछ दशकों के दौरान शेरों की बढ़ती संख्या की वजह से बेचारे वर्थोग की संख्या जरूर कम हो रही है। दोस्तों, फिल्म द लॉयन किंग में आपने देखा होगा कि एक नेवले जैसा दिखाई देने वाला जीव, जिसे मीरकैट कहा जाता है, वर्थोग की सवारी करता रहता है। असल में ये सब फिल्म मेकर्स की कल्पना नहीं है, बल्कि ये सुअर सच में ऐसा ही करते हैं। इन्हें दूसरे जानवरों का वजन खुद पर ढोना बेहद पसंद है। न सिर्फ मीरकैट बल्कि अक्सर बंदर भी वर्थों की सवारी करते हुए देखे जा सकते हैं।